पिछले दिनों मेरी वाइफ की किसी ने डीप फेक एआई जनरेटेड वीडियो बना के उसको वायरल किया, उसकी इज्जत के साथ इतना खेला, इतना उसको गंदा किया कि मैं मजबूर हो गया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो फैलने से पहले हमें कुछ लोग थ्रेट भी कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि हमें पता है कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वीडियो पूरे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे उन्होंने फैलाई भी थी। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये एक फेक, डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई वीडियो है। ये मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कैसे। डीप फेक और एआई को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो जाके देख लें, जिससे आप लोगों को काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा चेहरा भी बदल सकता हूँ एआई की मदद से, और चेहरे के साथ साथ मैं अपनी आवाज को भी दूसरी भाषा में बुलवा सकता हूँ एआई की मदद से। अभी जब वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करी तो मुझे काफी ज्यादा हमारे ऑडियंस ने आके मुझे बताया, मुझे डीएम्स के अंदर, कि आपकी एक डीप फेक से बनाई हुई फेक वीडियो जो है वो सर्कुलेट हो रही है, लकी भाई इसका कुछ करें। लेकिन वीडियो की लो क्वालिटी होने की वजह से और जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते वो इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये एक डीप फेक वीडियो है, उनको मैं समझा दूं। अब अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे जो अरूप के बारे में फेक वीडियो फैलाई जा रही है, वो एक बहुत ही लो क्वालिटी वीडियो है। उस लो क्वालिटी वीडियो को भी एक फोन से रिकॉर्ड करके उसको लीक आउट किया गया है, जिससे उसकी मजीद क्वालिटी गिरी हुई है। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसके अंदर डीप फेक को डिटेक्ट करना। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे आपको जो पीछे मेरे ख्याल से अलमारी है या दरवाजा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आपको स्लाइटली बेंडिंग नजर आएगी और एआई की वीडियो में इस तरह के पिक्सल डिस्टॉर्शन आते हैं। वैसे भी वीडियो के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो उसका एक थ्रू आउट रोबोटिक सा एक्सप्रेशन रहता है, और डीप फेक वीडियो के अंदर ऐसा रोबोटिक सा एक्सप्रेशन ही होता है। एक और चीज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, कैमरा की मूवमेंट होती है तो उस लड़की की असली शक्ल सामने आती है जिसकी असली वीडियो है। अगर आप इसको फुल स्लो मोशन के अंदर आप देखोगे या फ्रेम बाय फ्रेम अगर आप देखोगे तो आपको उस लड़की की असली शक्ल नजर आ जाएगी जिसकी ये असल में वीडियो है। अरूप का फेस चिपकाने से पहले अचानक जब कैमरा डाउन होगा उसकी नाक चौड़ी हो जाती है, उसके लिप्स, उसकी जॉ लाइन, उसका फेस शेप बदल जाएगा और वो तुम लोगों को खुद वीडियो के अंदर नजर आएगा भी, जो इस चीज को प्रूव करता है कि ये एक डीप फेक वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियो है और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा इस वीडियो में आने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं जो मेरे साथ हुआ है वो तो हो गया है, लेकिन बाकी आगे किसी के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी के मामा के साथ इस तरह का कभी भी मत हो। मेरी ये दुआ है, जिस चीज से मैं गो थ्रू किया है मैंने, जो ये 24 घंटे पिछले जो मेरे गुजरे हैं वो बहुत बहुत मिजरेबल थे, वो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है या साथ जानता है। खैर, अब मुझे तुम लोगों से दो चीजों की हेल्प चाहिए। एक तो ये जो वीडियो है इसका एक ओरिजिनल सोर्स होगा, जिस ओरिजिनल वीडियो के ऊपर अरूप की शक्ल लगाई गई है। मैं तुम लोगों को ये भी बता दूं कि अरूप की इस फोटो की शक्ल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर मेरे हाथ ये ओरिजिनल वीडियो लग जाए ओरिजिनल लड़की के साथ तो मेरी काफी हेल्प हो सकती है। दूसरा, मुझे तुम लोगों से ये हेल्प चाहिए कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है, जिस बंदे ने ये वीडियो प्लान की है, जिस बंदे ने ये वीडियो एडिट की है, मुझे उस तक पहुंचना है किसी भी हालत में। और मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए 10 लाख रुपया उस बंदे को दूंगा जो मुझे उस बंदे तक, जिस बंदे ने ये वीडियो एडिट किया उस तक लेके जाएगा। आपने deepfakecase@gmail.com पे ईमेल करनी है। ये ईमेल नहीं करनी यार डकी भाई मुझे पता है कि कौन है, नीचे अपना नंबर दे दिया तो कांटेक्ट करें मैं आपको बताता हूँ, नहीं। आपने एक ईमेल करनी है, उस एक ईमेल के अंदर जो आपका दोस्त है जिसने ये एडिट की है उसके सारे स्क्रीनशॉट्स, सारे प्रूफ्स, एक एक वॉइस नोट, क्योंकि उसने वीडियो बना के आपको सेंड की होगी और आप तक वो पहुंची होगी, तो आपके पास उस बंदे की इन्फॉर्मेशन होगी। 10 लाख रुपया मैं दूंगा, आपकी ना आइडेंटिटी बाहर आएगी, ना उस बंदे को जिसने वीडियो एडिट की है उस तक आपका नाम पहुंचेगा। ये मैं आपसे इसको वादा कर रहा हूँ। और मेरा ये सब करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कानून को अपने हाथ में ले लूं, बंदा पकड़वा के मैंने करना FIA के हवाले ही है। लेकिन मेरे ख्याल से deepfakecase@gmail.com वाला जो काम है ये मेरा काम थोड़ा ज्यादा जल्दी कर सकता है। मेरे बस में जो जो है मैं वो हर चीज करूंगा उस बंदे तक पहुंचने के लिए, ये मेरा वादा है। लेकिन मुझे आपकी ये हेल्प चाहिए और मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा अगर आपका दोस्त है, भाई है, आपका कजन है, जो मर्जी है, आपका नाम नहीं आएगा, आपने मुझे बताना है कि ये कौन है। मुझे आप deepfakecase@gmail.com पे उसकी सारी डिटेल भेज दो एक ईमेल के साथ, एक ईमेल आपने करनी है, और नीचे स्क्रीनशॉट, वॉइस नोट, कॉल रिकॉर्डिंग जो आपके पास पड़ा हुआ है वो आपने मुझे भेजना है। उस बंदे तक पहुंचेंगे, उस बंदे को पकड़ेंगे, आपको 10 लाख रुपया इनाम मैं खुद दूंगा, आपका नाम तक बीच में नहीं आएगा। मेरी बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि अगर आप लोगों को वो वीडियो कहीं दिखती है तो आप उसके नीचे कमेंट कर दें कि ये वीडियो फेक है, ताकि लोगों के पास और अवेयरनेस फैले, क्योंकि अभी लोग काफी सारे लोग यकीन कर बैठे कि अच्छा वो वाकई रियल वीडियो है, वो जो चीज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो आप लोग बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वो कर देना। इन शॉर्ट मैं इस वीडियो को दोबारा से समराइज कर दूं कि ये एक डीप फेक AI से बनाई हुई वीडियो है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक तो इसकी ओरिजिनल सोर्स वीडियो चाहिए, मुझे वो बंदा चाहिए जिसने ये एडिट की है, जो मुझे बंदा ला के देगा उसकी डिटेल मुझे सारी सेंड करेगा, उसको 10 लाख रुपया मैं इनाम दूंगा, ना उसकी डिटेल आगे जाएगी, ना जिस बंदे ने वीडियो एडिट की है उस तक आपका नाम पहुंचेगा। जहां भी आपको ये वीडियो दिखती है आप
सिर्फ वहां पे कमेंट कर दें कि ये एक फेक एआई वीडियो है और उसको साथ रिपोर्ट कर दें। और बाकी थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी ये मुझे वीडियो भेजी और मुझे बताया कि एक फेक वीडियो आपकी वाइफ की सर्कुलेट हो रही है, इसका कुछ करें, तो थैंक यू सो मच। ये मेरा वादा है कि मैं इस केस की तह तक मैं आपको जाके दिखाऊंगा, मैं वो बंदा आप सारों के सामने लेके आऊंगा जिस बंदे ने ये वीडियो एडिट की है, जिस बंदे ने ये वीडियो बनवाई है, ताकि किसी की भी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो जो मेरी वाइफ के साथ हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बस ये छोटी सी वीडियो के अंदर जो मैंने रिक्वेस्ट की है उन चीज को समझना, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।